अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी दानिश। आज मैं आपको नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। ये डोरी वाला नेक डिज़ाइन है। अब बकरम कम इस तरह से पहले दो फोल्ड में ले ली हूँ। अब इसकी जो मेजरमेंट है उसको करेंगे तो हम ऊपर से लेंगे 3 इंच, इस तरह 3 इंच पे निशान लगा दी हूँ, और डीप में आएंगे 7 इंच, तो यहाँ पर 7 इंच पर इस तरह से निशान लगा दी हूँ। और यहाँ भी जो नीचे साइड है वहाँ भी 3 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, दोनों लाइन को जो है सीधा कर देंगे। देखिए इस तरह से मैं लाइन को जो है सीधा कर दूंगी। ये देखिए मैं जो लाइन है वो ड्रॉ हो गया है इस तरह से। और इसमें मैं थोड़ा वी शेप में बनाने वाली हूँ, थोड़ा सा इधर राउंड देंगे। इस तरह से राउंड करते आएंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा वी शेप दे देंगे। नीचे साइड है आधा इंच पे ही छोड़ के इस तरह से हम वी शेप में लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से जो है वो नेक है। अब यहाँ पे हम 1-1 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे जो हम कटिंग करते हैं। देखिए इस तरफ भी ऐसे सेम करेंगे। इसकी जो कटिंग है वो करते हैं। देखिए इसमें मैं पट्टी यूज करने वाली हूँ डोरी की तरह। देखिए मेरा नेक कट हो गया है। अब इसको एक्स्ट्रा कपड़े पे मैं इसको चिपका लूँगी। देखिए मेरा एक्स्ट्रा कपड़े पे जो है पेस्टिंग करके हो गया है। अब इसको साइड में इस तरह से मैं जो है सिलाई लगा लूँगी। देखिए जो मेरा साइड की सिलाई थी लगा कर हो गया है। अब इसको मैं अपने कुर्ती पे अटैच करूँगी। देखिए ये मेरा कुर्ती है और यह जो अस्तर वाला है, तो मैं इसमें इस तरह से पिन लगा ली हूँ। और इसको मैं पहले साइड में जो है सिलाई लगा के, तो फिर मैं इस पर जो है नेक उसको लगाऊँगी। तो देखिए मैं अपने साइड साइड में जो है सिलाई लगा लूंगी ताकि जो अस्तर है वो अटैच हो जाए। इस तरह से मैं चारों तरफ से सिलाई लगा के फिर नेक को अटैच करूंगी। ये मेरे सब जगह सिलाई लगाकर हो गया है साइड की। और इसको इस तरह से मैं सेंटर ले लूंगी। देखिए सेंटर लेके यहाँ पे मैं कट निशान लगा लूंगी इस तरह से। देखिए जो नेक है इसको मैं सेंटर में कट कर लूंगी। देखिए भी सेंटर में मैं कट कर ली हूँ। अब इसे सेंटर पे रख के इसको पूरा सीधा सिलाई लगा लूंगी। देखिए मेरे जो है साइड की सिलाई भी लगा कर हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट करके निकाल दूंगी। इस तरह से कट करके जो है निकाल के पीछे साइड पे जो है पलटी कर दूंगी, फिर हम उस पर जो डिज़ाइन है वो डालेंगे। देखिए मैं कपड़े को कट करके निकाल ली हूँ। और उसको इस तरह से पीछे पलटी करके मैं एक दाब सिलाई लगा लूँगी। देखिए मेरा दाब सिलाई लगा कर हो गया है। और इसमें मैं जो पट्टी लगाने वाली हूँ, देखिए मैं कुछ पट्टी को इस तरह से सिल के कट कर चुकी हूँ। देखिए अब इसको मैं आधा इंच की दूरी पर लगाएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे उतना जो है मैं यहाँ से शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि इतना जो सिलाई में जाएगा तो मैं एक यहाँ लगाऊंगी फिर आधा इंच छोड़ के यहाँ लगाऊंगी। ऐसे ऐसे मैं आधा इंच पे छोड़ के निशान यहाँ लगा रही हूँ, वहीं पे पट्टी में रखूंगी। देखिए यहाँ लगाए तो ये छोड़ के यहाँ लगाऊंगी, आधा इंच छोड़ के ही लगाऊंगी। देखिए इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए एक यहाँ लगाई तो ये वाला निशान है, छोड़ दूंगी ये वाले निशान पे लगाऊंगी रखूंगी। तो किस तरह से लगाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। और कपड़ा बाहर इतना ही रखें, ज़्यादा बड़ा ना रखें।
क्योंकि मेरा एक लग के जो है वो हो गया है। अब दूसरा भी इसी तरह से रखूंगे, हम एक निशान छोड़ के दूसरे निशान पे ही रखेंगे ताकि जो गैप है बीच में वो आधा इंच का गैप बीच में आ जाए। देखिए मैं किस तरह से रखते ही जा रही हूँ और जो गैप आधा आधा इंच का छूट रहा है, देखिए मेरा एक ही साइज में ही जा रहा है सिलाई। आप भी इसी तरह से ही एक ही साइज का बना सकते हैं। देखिए मैं इतना दूर पे ही लगाऊंगी और यहाँ पे देखेंगे कितना छूटा है। यहाँ पे एक इंच का गैप है तो एक इंच का गैप करके यहाँ पे निशान लगा दूंगी इस तरह से। फिर हम इस तरफ भी शुरू करेंगे इस तरह से। अब इस तरफ आएंगे, देखिए इस तरह। अब इस तरफ का भी पूरा उसी तरह से हम लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से मेरा पूरा पट्टी लग के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर मैं डोरी डालूंगी। तो देखिए मैं डोरी को भी इस तरह से सिल के पट्टी कर पलटी कर ली हूँ। अब देखेंगे कि यहाँ से कहाँ तक कितना आ रहा है। फिर मैं सुई की मदद से इसके अंदर से डोरी जो है वो पूरा डाल लूंगी। देखिए इस तरह से जो है पूरा सुई को उल्टा करके डालें। देखिए मैं दोनों साइड की जो है डोरी अंदर डाल के हो गया है। अब देखिए इस तरह से मैं एक छोटा रखी हूँ, एक बड़ा रखी हूँ और यहाँ की मैं जो है एक लटकन लगा लूंगी दोनों पे। ये देखिए मैं जो साइड का फुक्का उसको लगा दी हूँ। देखिए मैं डोरी थोड़ा एक छोटा है एक बड़ा है, देख सकते हैं आप। जो मेरा नेक है वो बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से आप भी नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।